Now, our fifth participant is Jan Gupta from and further and with the always with a dash for dictionary. तुम्हारे कहने का मतलब है आजकल फोक मैटली पोएम किसी को समझ में नहीं आई and people have to consult the dictionary. तो चलो हमारे ऑडियंस के बाद मैं वो सुनाने जा रहा हूँ उसका टाइटल है कोई दीवाना कहता है. ये कविता ये पोयम डॉक्टर कुमार विश्वास जिनके राइटर हैं उन्होंने दीवाना कहता है कोई पागल समझता है कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है. मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है ये मेरा दिल समझता है तेरा दिल समझता है ये मेरा दिल समझता है तेरा दिल समझता है. मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है. कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है. यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है जो तू समझे तो मोती है जो ना समझे तो पानी है. जो तू समझे समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता. मेरी चाहत को दुल्हन तू बना ले नाम कर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता. मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं. मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं. कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है. मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है ये मेरा दिल समझता है तेरा दिल समझता है. और तो पंक्ति के साथ अपनी पोयम खत्म करना चाहूंगा ये तो पंक्तियां भी डॉक्टर मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे तो देख क्या रंग है मेरा तेरे आगे. थैंक यू. है इंडिया सुधर रहा है जो मैंने खुद लिखी हुई है कि नैतिकता के ढोंग में अपना जीवन गुजर रहा है.